seventh MCQ of the chapter of memory is, a student has several weeks in which to plan study for an upcoming test. एक स्टूडेंट है जिसका टेस्ट होने वाला है और उसके पास जो है वो कुछ हफ्ते हैं उस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए. अब उसको किस तरह का स्टडी प्लान करना चाहिए उस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए. Which of the following time allotment strategies would the student be best advised to use? स्टूडेंट को जो है वो कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो यूज करनी चाहिए कि वो किस तरह अपने उन सेवरल वीक्स में उस अपकमिंग टेस्ट के लिए अपनी स्टडी को प्लान करे, उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, वो किस तरह अपने टाइम को डिवाइड करे. ऑप्शन ए है मैसिंग स्टडी टाइम इन द थर्ड वीक बिफोर द टेस्ट, के थर्ड वीक मतलब टेस्ट के पहले जो थर्ड वीक होगा उसमें स्टूडेंट को जो है मैसिंग स्टडी करनी चाहिए. मैसिंग स्टडी का मतलब है कि अनइंटरप्टेड स्टडी, कि वो जो स्टडी जो इंफॉर्मेशन उसको रिमेम्बर करनी है या उसको मेमोराइज करनी है वो उसको जो है वो विदाउट टेकिंग ब्रेक उस थर्ड वीक के अंदर जो है वो उसको पढ़े जा रहा है. वो कह रहा है कि अब मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक मैं इसको पढ़ ना लूं. मतलब मैसिंग स्टडी में क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो अपने आप को एक जगह बिठा के उसको पढ़ता रहता है और कहता है कि अब मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरा ये टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता. मतलब यहाँ पे ये है कि वो खुद को इंटरप्ट नहीं करता, वो कहता है कि बस अब ये मैं करके फिर ही उठूंगा, अदरवाइज जो है मैं बीच में कोई भी ब्रेक नहीं लूंगा. ऑप्शन बी है मैसिंग स्टडी टाइम जस्ट बिफोर द टेस्ट, के टेस्ट के बिल्कुल पहले उसको जो है एकदम सारा पढ़ना चाहिए. ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टडी टाइम थ्रू आउट द सेवरल वीक पीरियड, उसके पास जो सेवरल वीक्स मौजूद हैं अवेलेबल हैं उसके पास उस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसको चाहिए कि वो क्या करे अपने स्टडी टाइम को उस पूरे टाइम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे. मतलब वो जितना भी उसके पास जितने भी वीक्स उसके पास अवेलेबल हैं वो उन वीक्स में हर दिन जो है थोड़ा थोड़ा कवर करे. ठीक है, तो ये होता है कि आपने क्या किया अपने स्टडी टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. सो एबिनगॉस के अकॉर्डिंग, हरमन एबिनगॉस जिन्होंने मेमोरी और फॉरगेटिंग पे बहुत सारा काम किया है उनके अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टडी टाइम थ्रू आउट द सेवरल वीक पीरियड इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्लान योर स्टडी. ऑप्शन डी है स्टडिंग ऑन एवरी फिफ्थ डे, या फिर वो स्टूडेंट जो है वो हर फिफ्थ डे पे जो है वो स्टडी करे. सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, और ये जो स्टेटमेंट है इसका जो ऑप्शन है ये हमने जो है वो एबिनगॉस के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो दिया है. मतलब ये कि मेमोरी का जो चैप्टर है उसमें हरमन एबिनगॉस जो कि ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बताया हुआ है कि हमें स्टडी जो है वो किस तरह से करनी चाहिए कि वो आपके माइंड में जो है वो रिटेन रहे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो उन्होंने यही कहा कि हमें जो है वो अपनी स्टडी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, ना कि हमें मैसिव स्टडी करनी चाहिए.